हम वादा करते हैं हम खाएंगे तो जरूर खिलाएंगे। ए बेड़ा, इस ससुरी हमरा और तोहरा प्यार से इनकार करत है। अरे यार, प्यार से कौन आजकल मानता है, उठा के पटक दो बस काम। तूने दुशासन को देखा था ना महाभारत में, चीर हरण जो हुआ था, उतार दे साली के सारे कपड़े, खींच ले साली की साड़ी, कर दे नंगा, और ले चल हमरे गेस्ट हाउस में, इसका दोनों मिलकर रेप करते हैं। नहीं बाबा, वैसे भी हम साड़ी उतारने में बहुत एक्सपर्ट। चल ससुरी को आज आज ये भी सोचेगी कि ठाकुर कल्पना सिंह जो सोचता है उसे पूरा करता है। लेकर चलो आज हम इसके साथ ऐसा इसका बलात्कार करूंगा कि दुनिया देखकर थर्रा उठेगी। आ रहा हूं। बेड़ा बहुत कटीली रही है, बहुत मजा आया। ऐसे ही मिलती रहे तो कितना आनंद आता रहे यार। लेकिन ठाकुरों से बगावत करना मौत को दावत देना होता है बरकरदार। इसलिए हमरे ऊपर हाथ उठाने चले, तेरी समय नहीं है, इसलिए पटक दे साली की और इसकी जबान काट दे, ताकि हमारी और आपकी बुराई किसी को पकड़ जाने ना पाए, वरना ये एक दूसरे से बताएगी। नहीं जाने पाए वरना ये गरीब लोग पीछा करेंगे।
पीड़ा क्या देख रहे हैं? काटे साली को और काटे इसकी जबान को। बहुत जबान चलती है साली की, काटे जबान को साली की ताकि किसी से बता न सके, काटे इसकी जबान को। बदला पूरा हो गया है हराम खोर। ओए खलभर खलभर, उस दिन मैंने तुझसे भल भल कहा कि हमरा प्यार स्वीकार कर ले, अगर तू नहीं मानी हमारे मुंह पर थूक कर गई थी साली हराम खोर। अब देख ये ठाकुर कुलप सिंह तेरी ऐसी जगह थूकेगा आज तक किसी ने थूका नहीं होगा। हम ठाकुर है ठाकुर रे, खोपड़िया घूम गई तो बंटा धार। बड़े ठाकुर अब यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं कहे पुलिस को खबर लगी ना तो हमको तुमको पेल पाल के बंद कर देंगे। बड़े हमारे लम्बर्द आगे मुंह में थूकी थी, मैं थूक रहा हूं तुम्हारे कहा। सब सब है, कहां थूकना चाहिए ठाकुर बीरा सिंह से सीखो बे। हम बताते ना लवली कोई अगर बोलेगा तो काट के रख दूंगा। भारी राम राम। यही बीच पर लड़का के आजू आए गए, लड़का के आजी इस तीन सीनरी में खुश होके 21 रुपए पार्टी धनबाद। भाई की कसम है ये हालत बनाने वाला कौन है एक बार बता दे, उस पापी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बिटिया फुलवा, क्या तू बोल नहीं सकती है? पूरा तेरे भाई की कसम है, अपने खून से लिख दे हम उस पापी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिख दे, लिख दे भाई, लिख दे अपने खून से लिख दे। विद्या मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूं, मगर जरा तू पढ़कर बता ये किस पापी का नाम लिख रही मेरी बहन, एक बार पढ़ के बता दे इस पापी का नाम और निशान मिटा दूंगा। बोल विद्या बोल, अगर मैं पढ़ सकता। तुम्हारी बहन ने किसी और का नाम नहीं लिखा, मेरे भाई कुलपा सिंह का व बीरा सिंह का। विद्या
से बापू इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इसी वक्त जाइए थाली में रिपोर्ट लिखकर के आइए और कुत्तों के नाम, उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या है। जाओ इसी वक्त जाओ थाली में रिपोर्ट लिखकर के आइए, जल्दी चाहिए। और हम बहन को अस्पताल लेके जा रहे हैं। तुमने ये सब ठीक नहीं किया। अगर मैं इस अपमान को बदला मैं भैया आपसे नहीं चुकाऊंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और बिरजू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं वादा करती हूँ। ये हम का देख रहा हूँ, वो कहते ना पढ़ा लिखा इंसान वाकई में बहुत दिमागदार होता है। फुलवा की जुबान तो हम और बड़े ठाकुर ने मिलकर काट दिया, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी ना, इसलिए हमारा नाम और बड़े ठाकुर का नाम लिख दिया है। भगवान झूठ ना बोलावे, लवली तुम्हारी मेहरारू की कसम, इतना याद रहे जब तक आग नहीं लगा दूंगा तब तक ये ठाकुर वीरा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। अब ये खबर हम जाकर बड़े ठाकुर को सुनाऊंगा, वरना हथकड़ी लग गई ना तो जमानत हो। एक बार हो आया हो दोबारा वो दिन ना। अरे क्या हुआ भीरा, क्यों इतना घबराया हुआ नजर आ? अरे वो क्या हुआ फुलवा? अरे हौलियाओ मत, वो आप और हम मिलकर इज्जत लूट कर उसकी जुबान काट दिए थे। हाँ तो साली मर गई होगी कहीं, लेकिन वो तो सब सही है, वो पढ़ी लिखी से सब बता दिया। वो अपने खून से लिख करके और उसका बाप हरखुआ जा रहा है हमारे और तुम्हारे नाम रिपोर्ट लिखाने। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे खिलाफ उस ससुरा हरखुआ की इतनी मजाली कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने जा रहा है। चल हमरा के लो चल, ससुरा को हम कोतवाली पहुंचने ही नहीं देगा, चला हमारे साथ। ठाकुर कुलपत सिंह वीरा सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया है, मेरी बेटी की इज्जत लूट कर और उसकी जुबान भी काट दिया है। अब मैं जब तक थाने नहीं जाऊंगा बर्दाश्त नहीं होगा। तुम दोनों को जेल की अगर चक्की ना पिसवाया तो मेरा नाम हरखू नहीं। कहाँ को जा रहा है? थाने जा रहा है। करे हरखुआ कहाँ को जा रहा है रे? अरे पापियों कुछ तो शर्म करो, तुम लोग ठाकुर के नाम पे कलंक हो, ठाकुर के नाम पे कलंक हो। तुम लोग गरीब की इज्जत को इज्जत नहीं समझते और अपनी इज्जत को इज्जत समझते हो। गरीब की इज्जत ही क्या होती है, ठाकुरों के पलवे तलवे के नीचे होती है, समझे? जो गरीब के बच्चे जो हैं वो धरती फाड़ के आते हैं और तुम पूरा जो है आसमान फाड़ के आए हो। अरे हरखुआ जा घर अपने वापस चला जा, 2-4 हजार रुपए दे दो अपनी बेटी का इलाज करवाएगा। दे ठाकुर जुबान संभाल के बात कर, जुबान को लगाम दे। अगर काज के
मेरे पास दौलत होता और तुझको कह देता कि ले ले जाए 1,00,000 को भेज दे। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं थाने जाके रहूंगा और जब तक तुम लोग को जाएगा, तू जाएगा, हाँ मैं जाऊंगा ठाकुर पीरा सिंह के सामने उनसे बात, हाँ मैं जाऊंगा। मर गया सीढ़ा, अब तो ये हरखुआ मर गया रे, अब हमको थाने कौन लिखाएगा? इस देवरिया में गंडैया चलेगी तो कुलपत सिंह और पीड़ा सिंह, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो कसम पैदा करने वाले की पीठ चौराहे पे गोली से मार दूंगा, अगर गोली से ना मारा तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। आप मेरे साथ छिप कर देखते हैं इसको कौन देखता है, इसको हम इस खून के इल्जाम में साले वो कहावत सुना होगा रे क्या, कि पत्थर को पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ है, पत्थर को पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ है, क्या नहीं? और कोई देवरिया जिले में हमसे टकराता है वो मायने अभी लालो पैदा 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 नहीं हुआ है। अरे ये हरखुआ को जान से मार दिया रे, काहे को मार दिया रे, हाँ जबान संभाल कर साले बात कर, और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है तू क्या, हाँ कुत्ते तू किया है। साले बाप को मार दिया करके मुझे धमकी दिखाता है, साले अकेले अकेले में काम दिखा देता है और हमरी बारी आती ससुरा कहता है हम अपने बाप को नहीं मारे। नहीं, सोच रहे याद रख, याद रख, अगर हथकड़ी से छूट गए तो सोच ले तेरा क्या हासिल होगा, ये तू ही जानता है। बांध दे मजदूर, छोड़ दे मुझे वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की परवाह बुजदिल और कायर करते हैं हम जैसन ठाकुर नहीं रे, तो शायद भूल रहा है। नीरव, ए नीरव हुआ ये हरखो कुबरी हमारे तुम्हारे काम आएगी और नहीं तो का। अरे बहुत दिमाग लगाया करता है, अब हम बताएंगे तुझे कि हम का चीज है। अरे बिरजुआ याद रख, आज तेरे को अठेहा से कोई बचाने नहीं आएगा। बहुत जबान लड़ाता है, याद रखना अगर एक बार जंजीर से मुक्त हो गए तो तुम्हारा क्या हासिल होगा। असाले तुम याद रखना क्योंकि हमारे ही रोड से आते जाते हो ठेहा तक साले,
वही साले बम से उड़ा दूंगा तुमको और फूलन देवी को। अबे साले हम जानते थे कि हथकड़ी खुल गई तो हमको और बड़े ठाकुर को पेल पाल कर रामपाल बना देगा, इसलिए जानता है तुम्हारा बाप तो मर गया है, लेकिन जो हमारे यहाँ से कर्जा लेकर गया है वो कौन देगा? मुझे कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम है। और तुम्हारे बाप पे सुनता है रे, और तुम्हारे बाप पे और कर्जा पड़ा हमारा है। देखो कैद खाने में डाल दो और से खाना पानी कुछ नहीं देना, ताकि ये तड़प तड़प कर मर जाएगा, अठेहा जाने के लिए तरस जाएगा। ले जाओ। अबे ये बताओ तुम बार बार अठेहा क्यों कह रहे हो? हमको भी ठेके पर ले गया था। हाँ तभी तो ससुर अपने बप्पा को मार दिया है, कहता है हमको पैसा मालूम है नहीं है। हेलो, ये लड़का की नानी तो कहने का मतलब कि अब्बा नानी को बोल दो पेल पाल दूंगा हम लोग। कौन है यहाँ हमरे बीच में जो कोई बोलेगा? खैर नहीं, यहाँ से लेकर परसदेपुर में देख लूंगा। ले जाओ, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूं।
और कैद खाने में डाल दो, क्योंकि इस देवरिया जिले में गुंडैया चलेगी तो ठाकुर कुलपत सिंह के चलेंगे। निरहुआ कहाँ जा रहा है रे? भौजी बोला रहे साला मार खाने से बचने के लिए भौजी के साथ वहां नहीं जाओ, नहीं साले चप्पलों से मारे जाओगे। चले आओ, हम नहीं मारे। ये लड़का कहना आने का हम पहले जरूर आज ठीक है। अब हम चलकर आराम करते हैं क्या नहीं, और जेल में जाकर इस साले बिरजुआ को ऐसी मार मारो कि साला हगने बैठ न पाए। बाबू अगर ये साला खाना मांगेगा पानी मांगेगा तो इसको साले को हम पशु आहार चढ़ा के क्या साले गाय भैंस समझ रखा है क्या? पशु आहार खाएगा तो मर जाएगा साला। ठीक है, चलता हूँ, गुड बाय। गुंडई हम सबकी चमक चुकी है, अल्लाह साले चीपू नहीं करना साले, पैसा लेके आ रहे पैसा पहले दे। अबे कितनी चर्बी चढ़ गई है, जब भी जाता है खाली आने का दिल करता है, क्या करें मजबूर है, कर्जी कर देता हमको भी। अगर हम एक बार छूट गए तो सोच ले तेरा क्या हासिल होगा। अबे तो तराई में रहने भी नहीं दूंगा। अब इसको साले कोशिश जेल में बंद रखो, खाना पानी नहीं देना और ये अपने आप मर जाएगा। अगर कोई खाना पानी देता है तो फौरन हमको बताओ, हम उससे भी निपट लें। ₹500 तेरे बाप को दिया, 500 ट्रैक्टर में डालूंगा लेकिन गाड़ी उधर से जाएगी। और कुछ गड़बड़ हुआ ना तो समझ लेना मैं क्या चीज हूं। ठीक है, आज तेरा वक्त है, हंस ले कुछ भी कर, मगर मेरा कसूर क्या है? इसको साले को ले चलो बब्बू, इसको ले चलो 14 नंबर कमरे में डालो, खोलो साले को। भूख लगी है रे? भूख लगी है साले, तुमको हम बासी पूरी भी नहीं खिलाएंगे। ठीक है ठीक है, ले चलो साले को, ले चलो। वक्त आने दो, चलो देखो किसको कौन खिलाता है। यार अत्याचार तो बढ़ा चला जा रहा, ठकुरन गए आ साथे हम पेले परे हन, यह न हुआ कि हमारा मौत हो जाए यही गांव में आज। लेकिन यार हम अपने मेहरारू के कर ले हन, अगर हम का हाल है आया का। लेकिन ये बात मैं चलता हूँ लम्बरदार के बहन से विद्या से बताता हूँ कि तुम्हारे भैया का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, दोनों कहती रहा बचा तो बचा बना, आज हम मरीन जा चार। विद्या बच्ची क्या है? बहुत अन्याय हो रहा है। क्या हुआ? बिरजू भैया के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या हुआ? उनके पिता को गोली मार दिया है और उनकी बहन के साथ इज्जत लूट लिए हैं और उनको कैद किए हैं बिरजू भैया को। कैद? हाँ हाँ। लेकिन
बीजी इस वक्त है कहाँ? वो खाने में अंदर। कैसे खाने में? हाँ ठीक है, आप मेरे भाई को देखते रहना और मैं कैसे खाने जाती हूँ। मैं बीजी को जरूर छुड़ाऊंगी कि मैंने वादा किया है कि मैं बीजू के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, पर उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मेरे भाई को आप देखते रहना। हाँ ठीक।